आज 25 दिसंबर 2018 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। पौष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है दोपहर 1:47 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है दोपहर 3:55 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज भद्रा है दोपहर 1:47 तक। अंगार की गणेश चतुर्थी है। सौभाग्य सुंदरी व्रत है और क्रिसमस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेष राशि वाले जिंदगी को व्यवहारिकता की नज़र से देखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा भी लगेगा और मन की घबराहट भी दूर होती चली जाएगी। जिंदगी की खुशियां किसी एक चीज़ से नहीं बनती लेकिन अपने हालात को परिपूर्णता से देखने से बनती हैं, जिसमें सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता चला जाए और हालात हर तरह से संभले रहें। आपके लिए भी कुछ ऐसा ही समय है जो आपको इसी तरह की प्रेरणा दे रहा है। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन की खुशियां बनाए रखने के लिए उस सुख का आभास जरूर कर लें जो आपकी लगन से बन पाएगा। अपनों को समझने का मौका भी मिलेगा और अपनी काबिलियत को उजागर करने की संभावनाएं भी बनेंगी। एक एक करके ये सारी चीजें आपके हित में बनती चली जाएंगी और जिंदगी आप पर मुस्कुराएगी जरूर। वृषभ राशि वाले हर रूप से मेहनत करना चाह रहे हैं और शायद यही कारण है कि कई सारी चीजों को लेकर परेशान भी होते चले जा रहे हैं। निजी जीवन में विचारों के न मिलने से भी कई बार परेशानियां उभर सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने भरोसे को जगाए रखना होगा और कोई भी चीज़ अगर आपकी चिंताओं को बढ़ाए तो उसे भी सूझबूझ से समझते हुए हटा देने की जरूरत पड़ेगी। अपनी काबिलियत के बलबूते पर अगर इंसान सफलता प्राप्त करे तो उसका मजा ही कुछ और होता है। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आप अपनों के लिए बहुत सारी मेहनत भी करना चाह रहे हैं। आपकी प्राथमिकता आपके बच्चों की ओर भी बनी रह सकती है जिनको आप दिल से चाहते हैं, पर अपने मन में आपने बहुत सारी चिंताएं भी बिठा रखी हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि बहुत सारी रुकावटें हैं जिंदगी में। क्या करना चाहिए समय में? भरोसा भी जगाए रखें और अपनी बात को इस रूप से कहें कि लोग उसे समझ पाएं। आपकी आर्थिक स्थिति इस रूप से संभली हुई है क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी होती चली जाएं, लेकिन घर परिवार के तकरार को फिर भी संभाले रखने के लिए मेहनत करनी होगी। कर्क राशि वालों का भरोसा जगेगा तो लोगों को आप परेशान करते चले जाएंगे। ये इंसानी फितरत है कि कोई भी किसी की उपलब्धियों से खुश नहीं होता और ऐसे में ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है। आपके व्यवहार में भी अगर कोई तनाव रहेगा तो लोगों से मतभेद बढ़ते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी। अगर आप सही भी हैं तो भी लोगों को ज़्यादा इज्जत मान देने की कोशिश करनी होगी और ख़ासकर अपने किसी भी विचार को इस रूप से आगे रखना होगा जिसमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलता चला जाए। सिंह राशि वाले ये समझ लें कि रिश्तों के प्रति आपका झुकाव सुंदर है पर मन कहीं दूर ही भटकता चला जा रहा है। कुछ हद तक मन की परेशानियाँ रही हैं लेकिन हाल ही में आपके सख्त होते हुए विचार आपको लोगों से दूर भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह की उत्तेजना से बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी और अपनी घबराहट को भी अपने ऊपर हावी होने देने से बचना होगा। खर्चे भी नुकसान का ही दूसरा रूप है जिसे संभालना तो पड़ेगा ही। कन्या राशि वालों को घर परिवार से जुड़े हालात को संभालना है तो किसी भी तरह की परेशानी को पहले से भांप लें और उसे सुधारने की कोशिश भी कर लें। ये ना सोचें कि सिर्फ पैसा कमा लेना ही आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य है, जबकि सच्चाई यह है कि ज़िंदगी का तालमेल अपनों से जुड़कर ही बनता है। क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक स्थिति ठीक है और अपने पैसे से संतोष पाना होगा। सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर मन का असंतोष बना रहे तो ये समझ लें कि कहीं ना कहीं आपकी ओर से गलती हो रही है। तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आप कुछ और बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में काम से बनता हुआ लाभ भी आपको नई सोच बनाने के लिए आगाह कर रहा है ताकि आप अपनी परिस्थितियों का सही रूप से आंकलन कर सकें और उसका फायदा भी उठा सकें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में तरक्की मिल सकती है क्योंकि आपकी लगन अच्छी है और जो भी घबराहट रही है उसे भी आप बहुत पीछे छोड़ा है, इसलिए अब आगे बढ़ने का समय है ताकि उन उपलब्धियों को छू लिया जाए जिन्हें पाना आपका सपना रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं और आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत रंग ला रही है। यहाँ तक कि घर परिवार की खुशियाँ भी आपके लिए बनी हुई हैं जिसके चलते आप काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। क्या करना चाहिए समय में? हालात इस रूप से संभालने होंगे जिसमें आप अपनी बात भी कह पाएं और लोगों की बात भी समझ पाएं, पर ऐसा करते हुए दिल की उस आवाज़ को भी सुनना होगा जो कहीं ना कहीं आपसे कुछ कहना चाह रही है। रिश्तों के प्रति भी अपनी सोच में व्यवहारिकता अपनानी होगी। धनु राशि वालों के मन में बनते हुए प्रबल विचार आपकी दुविधाओं का कारण बन सकते हैं, इसलिए अपने विचारों को थोड़ा सा धीमा कर लें और उसमें अगर किसी भी तरह की पेचीदगियां हैं तो उन्हें भी समय रहते संभाल लें। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को समझें कि आपके सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं जो आपके भाग्य को खोल सकते हैं।
आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी लगन उसमें अपना पूरा योगदान दे सकती है, ऐसे ही कहते हैं आपके तारे। इससे जुड़ जाइए और फायदा उठा लीजिए। मकर राशि वालों के लिए लोगों से जुड़ने के बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, पर आपके मन का असमंजस कुछ ऐसा है कि आप उसका पूरा तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे, इसलिए आपने लोगों को भी नाराज कर रखा है और अपने लिए भी परेशानियां पैदा कर रखी हैं। इसी बात को भली भांति समझने की जरूरत है ताकि इसे समय रहते संभाल भी लिया जाए। क्या करना चाहिए समय में? अगर लोगों से जुड़ना है तो दिल से जुड़ना होगा, और लोगों की सहायता करनी है तो बिना शर्तों के वो सहायता करनी होगी, ताकि लोग भी आपके प्रति अच्छी भावना रखें। किसी को भी नाराज करने से बचना होगा, क्योंकि ये आपकी गलतियों का समय है जिसके चलते नुकसान भी हो सकता है। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि आपकी चिंताओं का कारण ये नहीं है कि आप मानसिक तौर से कमजोर हैं, बल्कि आपकी चिंताओं का कारण ये है कि आप मानसिक रूप से बहुत प्रबल हैं और इसलिए एक तरफा विचार बनाकर उसी पर सोचते हैं और उसे ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या करना चाहिए समय में? मन में बहुत धीमापन लाना होगा और अपने पैसे से जुड़े फैसलों को भी बहुत ध्यानपूर्वक ही लेना होगा। लोगों की बातों को समझे ताकि उनकी बात की तह तक पहुंच लिया जाए और तब जाकर अपने फैसले किए जाएं। मीन राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें कई तरह के तनाव, लोगों को समझना भी मुश्किल हो सकता है और अपने फैसलों को संभालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सारे खेल के पीछे कोई ना कोई नुकसान भी छुपा हुआ है जिस ओर ध्यान तो देना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपके मन पर बहुत ज़्यादा हावी, लेकिन उसमें भी आपका असंतोष झलक रहा है, क्योंकि इस समय की आपकी प्राथमिकताएं कुछ भिन्न हैं और ऐसे में सिर्फ किसी प्यार के रिश्ते की ओर समय लगाते चले जाने से बचना होगा।